हम लोग तो मोदी जी का सपोर्टर है। देश विदेश में तो मोदी ही छाया हुआ है, तो हम लोग इंडिया में काहे नहीं छाएगा। इस बार किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी काम किया है। हाँ। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अमित झा। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, दो चरण मतदान भी जो है वो हो चुकी है। ऐसे में लोगों का क्या है इस बार का अवधारणा, वो किसे वोट देंगे, किस मुद्दे को लेकर के वोट देंगे, कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? नैनदेव शर्मा। अच्छा, ये बताइए इस बार का मुद्दा जो होगा क्या होगा, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? इस समय जो भी काम किया गया है 5 साल के अंदर उसी के हिसाब से वोट किया जाएगा भैया। अच्छा, क्या लगता है कि कौन बेहतर काम किया है? इस पर तो भैया जो दिखने वाला बात है, सामने दिख भी रहा है 5 साल में कैसा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी के हिसाब से इन सर वोट किया जाएगा। क्या लगता है कि कौन बीजेपी इस पर वो जो काम वो की है? इसमें तो मोदी जी के बहुत अच्छा काम चल रहा है भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है जी। क्या लगता है 10 साल जो मोदी जी का था उसमें आप खुश हैं? एकदम खुश हैं पूरा भैया, खुश हैं। अच्छा, कल पीएम मोदी झारखंड आए हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा इस बार? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा भैया, पूरा रांची जिला से एकदम बीजेपी एकदम आगे रहेगा। आगे रहेगा एकदम भैया, और रांची जिला बीजेपी के एकदम सपोर्टर पूरा है और रहेगा भैया। कांग्रेस तो कहती है कि सिर्फ हवाबाजी करते हैं पीएम मोदी। वो तो कांग्रेस तो अपने आप में ही पता चल रहा है भैया, क्या है कि नहीं है वो सामने दिख रहा है आपको भी, वो सब आम जनता को भी दिख रहा है कांग्रेस क्या है कि नहीं है, वो सभी को सामने दिख रहा है कितना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा तो विनोद। बताइए क्या लगता है कि 10 साल में, पिछले 10 साल में मोदी के द्वारा काम हुआ है? हुआ है, हुआ है। हाँ, एकदम हुआ है। हम लोग तो मोदी जी का सपोर्टर है। अच्छा, क्या क्या? हम लोग शुरू से उनका सपोर्ट करते आए, करते रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि क्या क्या उनका जो योजना है, क्या क्या लाभ मिला आपको? लाभ जो भी मिला और जो नहीं भी मिला, लेकिन हम लोग का सब सपोर्टर इन्हीं का है। अच्छा, लाभ मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन सपोर्ट मोदी का है। हाँ, इन्हीं का सपोर्ट करना है। अच्छा, कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विकास कुमार सर। तो विकास जी, बताइए कि क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव होगा क्या मुद्दा होने वाला है, किस मुद्दे को लेकर के आप लोग वोट करेंगे? रांची कल आए थे पीएम मोदी, क्या लगता है उसका प्रभाव इस बार पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा सर, पड़ेगा। 14 लोकसभा सीट है झारखंड में, क्या लगता है कि इस बार पहले की अपेक्षा इस बार और बहुमत लाएंगे? पहले से अच्छा रहेगा सर, पहले से अच्छा रहेगा। 400 के पार लाएंगे सर, 400 के पार लाएंगे सर, 400 के पार, 400 के पार। कुछ तो साफ तौर पे जो लोग हैं उनका कहना है कि इस बार जो है राम मंदिर का मुद्दा बना के वोट करेंगे, और इसके अलावा भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो रांची आए हैं उसे कहीं ना कहीं और प्रभाव पड़ने वाला है। कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। साफ तौर पर बता दें कि कल पीएम मोदी झारखंड दौरा पे आए हैं, रांची में उनका भव्य स्वागत हुआ है, उन्होंने रोड शो भी किया है। कुछ लोग हैं उनसे बात, क्या नाम है भैया आपका? विकास कुमार साहू नाम है। अच्छा विकास जी, क्या लगता है कि इस बार फिर से मोदी? आप देखिए, पता नहीं, आप मोदी आता है उन्हीं का आने का चांस ज़्यादा है, उनका आने का चांस ज़्यादा है। हाँ, क्या लगता है कि 10 साल में उन्होंने काम किया है? अब अभी तो हम जवान हुए हैं, उस समय तो नाबालिग थे। अच्छा, अब आगे देखिए क्या काम होगा, उसी के अनुसार बोलेंगे। अच्छा, उन्हीं के अनुसार बोलिएगा। तो साफ तौर पे जो युवा है उनका कहना है कि इस बार जो है मुद्दा अहम होगा, कुछ एजुकेशन। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। अच्छा हिमांशु, बताइए कि इस बार क्या लगता है कि बीजेपी आएगी या फिर राहुल गांधी आएंगे? नहीं, बीजेपी को ही आना चाहिए। बीजेपी को ही आना चाहिए, ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी को आना चाहिए? आपको कैसे लगता है नहीं आना चाहिए? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों लगता है कि मोदी ही आना चाहिए? हमको तो सबसे अच्छा वही नेता लगते हैं। अच्छा, क्या वजह क्या है? वजह क्या है, आप न्यूज नहीं देखते हैं? देश विदेश में तो मोदी ही छाया हुआ है, तो हम लोग इंडिया में काहे नहीं छाएगा। हाँ। अच्छा ये बताइए कि इस बार जो आप लोग वोट करेंगे किस मुद्दे को लेकर के वोट करेंगे? 10 साल में जो मोदी का काम हुआ है कौन सा काम आपको सबसे बेहतरीन लगा है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। अच्छा, तो साफ तौर से जो युवा है उनका कहना है कि इस बार डेवलपमेंट हुआ है और इसकी वजह से हम वोट करेंगे। आंटी, क्या नाम है आपका? सदन देवी। अच्छा, इस बार किसको वोट देंगे? बीजेपी। बीजेपी को वोट देंगे? बीजेपी काम किया है? हाँ।
काम किया है? किया है। क्या क्या लाभ मिला है आपको बीजेपी से? हम लोग का ये नहीं था शौच के लिए कोई साधन, बाहर जाना पड़ता था तो उसके लिए शौचालय का, अच्छा शौचालय का निर्माण। हाँ, और इंदिरा आवास, इंदिरा आवास भी मिला है? मेरा नहीं, लेकिन गांव में बहुत जन का मिला। आपको नहीं मिला, दूसरे को मिला, फिर भी आप वोट करेंगे? फिर भी हमको उम्मीद है कि मेरा भी मिलेगा। आपको ही मिलेगा उम्मीद है। चलिए, तो साफ तौर पे जो महिलाएं हैं उनका भी कहना है कि पहले शौच के लिए बाहर जाना पड़ता था, लेकिन इस बार मोदी के द्वारा शौचालय मिला है। और इसके अलावा भी इनका कहना है कि जो आवास योजना है, पीएम आवास योजना है, उसका भी लाभ इन लोगों को मिला है। अब फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इनका जो उम्मीद है आगामी आने वाले जो 5 साल है उसके लिए, अगर पीएम मोदी फिर से अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके इनके उम्मीदों पे वो कितना खरा उतरते हैं। फिलहाल मुझे हमारे सहयोगी तापस को दिया इजाजत, देख रहे न्यूज बाइस को, धन्यवाद। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।